Yes, dear students, we'll go through a question which is based on the light. An object 5 cm in length is held 25 cm away from a converging lens of focal length 10 cm. Draw the ray diagram and find the position, size and nature of the image formed. अब इस क्वेश्चन में देखें तो हमको एक रे डायग्राम बनाना है. इसमें जो डिस्टेंस है इमेज का वो नहीं दिया हुआ है. तो हम यहाँ देखें, सबसे पहले हम देखें तो 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ होता है लेंस फॉर्मूला. इस लेंस फॉर्मूला में हम देखें एफ आपकी फोकल लेंथ है और यू जो है आपका डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम डायरेक्ट लिख दें इसको, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कि हमें दिया हुआ है. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमको दिया हुआ है यहाँ पे 25 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर. हमें यहाँ पे पोजीशन डिफाइन करना है तो सबसे पहले हम पोजीशन को डिफाइन कर लेते हैं, देन वी विल ड्रा द रे डायग्राम. अब इसको लेके देखें हम तो 1 अपॉन वी उसको हमको डिटरमाइन करना है. यू आपका फोकल लेंथ, यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस है तो कन्वर्जिंग लेंस में हम देखें तो ये माइनस का 25 हो जाएगा विच इज इक्वल टू फोकल लेंथ जो है आपकी 1 अपॉन 10 है. तो यहाँ देखें हम 1 अपॉन वी माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस और इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 1 अपॉन 10 माइनस 25. इसको हम कैलकुलेट करते हैं, ये हो गया आपका 50 5 2. तो v इज इक्वल टू जो आ रहा है आपका 50 अपॉन 3 आ रहा है, मीन्स 16.66. आप इसको 16.7 सेंटीमीटर में ले सकते हैं. तो v की वैल्यू मीन्स इमेज डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया. अब इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद में हम देखें तो साइज क्या होगा. हमको हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर. अच्छा, और एच डैश हमको नहीं पता है, दैट इमेज हाइट ऑफ द इमेज इज नॉट नोन, हाइट ऑफ द इमेज. तो यहां पर हम देखें तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं. तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू होता है आपका वी अपॉन यू आर एच डैश अपॉन एच. तो यहाँ पर हम देखें तो v जो है हमको दिया हुआ है, v हमने कैलकुलेट किया हुआ है दैट इज 50 अपॉन 3 और u जो है आपका माइनस 25. तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हो गया आपका माइनस 2 अपॉन 3 और इसको h डैश के साथ में कैलकुलेट करते हैं तो हमको क्या मिलता है उसको देखते हैं. तो ये हो जाएगा आपका h डैश इज इक्वल टू, h की वैल्यू आपकी 5 है तो माइनस 5 इंटू 2 अपॉन 3, ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस 10 अपॉन 3, ये आपका आ गया माइनस 3.33. मींस इमेज जो बन रही है वो इन्वर्टेड बन रही है, रियल बन रही है. तो यहाँ पर हम इसके आंसर्स देखे, हमने पोजीशन हमको मिल रही है, साइज आ गया हमारे पास 3.33 सेंटीमीटर, इन्वर्टेड क्लियर हो गया, नेचर क्लियर हो गया कि इमेज रियल है. अब हम यहाँ पर लेंस ले लेते हैं, ये आपका लेंस हो गया कॉन्वेक्स, ये इसका सेंटर पॉइंट आ गया. अब यहां पर देखो कि फोकल लेंथ हो तो होगी आपकी ये एफ हो गया 10 सेंटीमीटर और ये हो गया यहां पर 2f, ये आ गया आपका और यहां ऑब्जेक्ट है 25 सेंटीमीटर पे. तो ये ऑब्जेक्ट आपका आ गया ए बी और इधर आ गया आपका ये एफ और ये आ गया आपका 2f, यहां पर भी ये 2f आ गया. अब ये इमेज 16.7 पे फॉर्म हो रही है, फोकल लेंथ दिया है मतलब इसके बीच में है, ये 10 का है 20 का है तो नियरली यहां पर मान ले ये जो डिस्टेंस होगा ये v को रिप्रेजेंट करेगा और ये वाला जो डिस्टेंस है ये u को रिप्रेजेंट कर रहा है. फोकल लेंथ हमको मिल चुकी है ना, तो हम यहां देखें द रेज विल गो लाइक दिस. यहां पर जाने के बाद ये फोकस लेंथ से, फोकल से ये स्टेप्स हो जाएंगी
इस टाइप से हो गया आपका ये रे डायग्राम बनाते समय। यदि आपने पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया तो बहुत आसानी से आपके लिए हो जाएगा। यहाँ आप वैल्यूज ले सकते हैं, इसको आपने जैसे फोकस था, फोकल लेंथ जो थी 10 सेंटीमीटर थी, तो आप इसको 2 सेंटीमीटर ले लेते, ये 2 का 4 हो जाता और ये 15 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर के स्केल पे आप ड्रा कर लेते और उधर भी वैसे ही कर लेते आप। तो अब यहाँ पर देखो आप इमेज यहाँ फॉर्म हो रही है 16.67 पे, इमेज रिड्यूस्ड हो गई है। ये इमेज का जो साइज था 5 सेंटीमीटर, यहाँ जो इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट का जो साइज था वो ए बी जो था वो 5 सेंटीमीटर है। इमेज जो बन रहा है आपका ए डैश बी डैश इन्वर्टेड बन रहा है, 3.33 सेंटीमीटर का बन रहा है। तो अब यहाँ पर हम देखें तो ये जो है वेव्स जो है इस टाइप से इसको पास होती हुई चली जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से। आप इसको स्केल से और अच्छे से प्लॉट कर सकते हैं, एक इस टाइप से हो गया रे डायग्राम है, मेजर एरो आपको शो करना है। तो यहां पर जो बन रहा है इमेज बन रहा है ए डैश बी डैश, ये हमने ले लिया यहां पे। तो रे डायग्राम आपका बन गया, पोजीशन आपको क्लियर हो गई वी का, या कि आपका एक आंसर पोजीशन के लिए वी इज इक्वल टू 16.7 सेंटीमीटर, एक आंसर आपका ये आ गया। दूसरा आंसर आपका एच डैश इज इक्वल टू 3.33 सेंटीमीटर हाइट, साइज आ गया आपका इमेज का, साइज से ही क्लियर हो गया इन्वर्टेड इमेज है, और जब इन्वर्टेड इमेज बनेगी तो वो रियल होगी। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड। तो इस तरीके से हम लेंस वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं और उसको आसानी से कर सकते हैं। आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए 1/v-1/u/f। तो कन्वर्जिंग लेंस के लिए हमने इस टाइप से डायग्राम ड्रॉ करके हम इसको इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो वी विल बी हैविंग मोर न्यूमेरिकल्स ऑन द चैप्टर लाइट, सो बी विद अस, शेयर आवर वीडियोस एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल, सो यू विल गेट मोर बेनिफिट फॉर योर एग्जामिनेशन।